नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। पारणा, पारण एकादशी के व्रत को समाप्त करने को कहा जाता है। एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना अति आवश्यक है। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई हो तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही होता है। द्वादशी तिथि के भीतर पारण न करना पाप करने के समान समझा जाता है। एकादशी व्रत का पारण श्री हरिवासर के दौरान भी नहीं करना चाहिए। जो श्रद्धालु व्रत कर रहे होते हैं उन्हें व्रत तोड़ने से पहले हरिवासर समाप्त होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली एक चौथाई अवधि को कहते हैं। व्रत तोड़ने के लिए सबसे उपयुक्त समय प्रातःकाल होता है। व्रत करने वाले श्रद्धालुओं को मध्याह्न के दौरान व्रत तोड़ने से बचना चाहिए। कुछ कारणों की वजह से अगर कोई प्रातःकाल पारण करने में सक्षम नहीं है तो उन्हें मध्याह्न के बाद पारण करना चाहिए। कभी कभी एकादशी का व्रत लगातार दो दिनों के लिए हो जाता है। जब एकादशी व्रत दो दिन का होता है तब स्मार्ट परिवारजनों को पहले दिन यानी कि पहले दिन वाली एकादशी का व्रत करना चाहिए और दूसरे दिन वाली एकादशी को दूजी एकादशी कहते हैं। संन्यासियों, विधवाओं और मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक श्रद्धालुओं को दूजी एकादशी के दिन व्रत करना चाहिए। जब जब एकादशी व्रत दो दिन होता है तब तब दूजी एकादशी और वैष्णव एकादशी एक ही दिन होती है। प्रत्येक व्रत के अंत में पारण होता है जो व्रत के दूसरे दिन प्रातः किया जाता है। जन्माष्टमी एवं जयंती के उपलक्ष्य में किए गए उपवास के उपरांत पारण के विषय में कुछ विशिष्ट नियम हैं। ब्रह्मवेवर्त पुराण और काल निर्णय में आया है कि जब तक अष्टमी तिथि चलती रहे या फिर उस पर रोहिणी नक्षत्र रहे तब तक पारण नहीं करना चाहिए। जो ऐसा नहीं करता अर्थात जो ऐसी स्थिति में पारण कर लेता है वह अपने किए कराए पर ही पानी फेर लेता है और उपवास से प्राप्त फल को नष्ट कर लेता है। अतः तिथि और नक्षत्र के अंत में ही पारण करना चाहिए। इसके अलावा जिस सूर्योदय के समय यदि एक घड़ी भी दसवीं तिथि हो और उसके बाद में एकादशी तिथि पड़ती हो तो वो एकादशी तिथि भी कोई भी हालत में नहीं करनी चाहिए। दूसरे दिन आपको वो एकादशी करनी चाहिए। जिस दिन द्वादशी और एकादशी पड़ रही हो उस दिन आप ये व्रत कर सकते हैं। और जिस दिन एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी एक ही दिन में तीनों तिथि अगर आपको मिल रही हो तो वो एकादशी व्रत दुर्लभ हो जाता है, उसको अवश्य ही करना चाहिए। पारण के उपरांत व्रती को ओम भूताय, भूतवेश्वराय, भूतपते, भूतसंभवाय, गोविंदाय नमो नमः। एक बार फिर से सुने, ओम भूताय, भूतेश्वराय, भूतपते, भूतसंभवाय, गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र का पाठ करना चाहिए। कुछ परिस्थितियों में पारण रात्रि में भी होता है, विशेष करके वैष्णवों में जो व्रत को नित्य रूप में करते हैं न कि बिना कामना के करते हैं। उद्यापन एवं पारण के अर्थों में अंतर है। एकादशी एवं जन्माष्टमी जैसे पर्व जीवन भर किए जाते हैं, जिन उनमें जब कभी भी व्रत किया जाता है तो पारण होता है। परंतु जब कोई व्रत केवल एक सीमित काल तक ही करता है और उसे समाप्त कर लेता है तो उसकी परिसमाप्ति का अंतिम कृत होता है उद्यापन। एकादशी के दिन यदि किसी संबंधी की मृत्यु हो जाए तो उस दिन व्रत रख कर उसका फल संकल्प करके मृतक को दे देना चाहिए। श्री गंगा जी में पुष्प यानी कि अस्थि प्रभावित करने पर भी एकादशी का व्रत रख कर व्रत प्राणी के निमित्त दे देना चाहिए। प्राणी मात्र को अंतर्यामी का अवतार समझकर किसी से छल कपट नहीं करना चाहिए। व्रत खोलने की विधि, द्वादशी को सबसे पहले स्नान करके भगवान नारायण का ध्यान करें, पूजा करें, उसके बाद धूप दीप देकर पूजा करें भगवान नारायण का। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं। यदि आप ब्राह्मणों को भोजन कराने में असमर्थ हो तो फिर आप उनको कच्चा अनाज यानी कि सीधा भी दे सकते हैं या फिर उन मंदिर में दे के आ सकते हैं या उनके घर भिजवा सकते हैं ब्राह्मण के भोजन के निमित्त। उसके बाद में आपको व्रत खोलना चाहिए। व्रत खोलने के लिए सेवा पूजा की जगह पर बैठकर भुने हुए 7 चनों के 14 टुकड़े करके अपने सिर के पीछे फेंकना चाहिए। और ये मन में धारणा करनी चाहिए कि मेरे 7 जन्मों के शारीरिक, वाचिक और मानसिक पाप नष्ट हुए।
यह भावना करके सात अंजलि जल पीना चाहिए और चने के सात दाने खाकर व्रत खोलना चाहिए। इसके अलावा भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है। भगवान विष्णु से जुड़े सभी प्रकार के व्रत और अनुष्ठानों में भोग लगाने के वक्त तुलसी का प्रयोग अनिवार्य है। बिना तुलसी के भगवान का भोग नहीं लगता, इसीलिए जो लोग एकादशी का व्रत रखकर अगले दिन तुलसी के पत्ते से उसका पारण करते हैं उन्हें श्रीहरि की विशेष कृपा प्राप्त होती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आंवला भी अनमोल। आंवला के पेड़ पर भगवान विष्णु का वास माना जाता है, इसी कारण आंवले का महत्व बढ़ जाता है। देवोत्थान एकादशी व्रत का पारण आंवला खाकर करने से अखंड सौभाग्य आरोग्य और संतान सुख की प्राप्ति होती है। आंवले की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के आंसुओं से हुई ही मानी जाती है, इस कारण भी इसे धार्मिक फल माना जाता है। आंवले को अमृत फल भी माना जाता है। चावल खाकर भी कर सकते हैं पारण। एकादशी व्रत के अगले दिन द्वादशी पर आप चावल खाकर भी व्रत का पारण कर सकते हैं। दरअसल एकादशी के दिन व्रत नहीं रखने वालों को भी चावल न खाने की मनाही होती है। मान्यता है कि इस दिन चावल खाने से प्राणी रेंगने वाले जीव की योनि में जन्म पाता है, लेकिन द्वादशी को चावल खाकर व्रत का पारण करने से इस योनि से मुक्ति भी मिल जाती है। सेम में होते हैं ये गुण। वैज्ञानिक दृष्टि से सेम को कफ और पित्त का नाशक माना जाता है। देव उठने एकादशी व्रत शीतकाल में होता है, जिस समय शरीर शीत से जल्दी प्रभावित हो सकता है। व्रत के बाद शरीर को बल और पुष्टि की जरूरत होती है, इन दिनों यह आसानी से उपलब्ध भी हो जाती है। घी का प्रयोग पारण करने के लिए आप गाय के शुद्ध घी का प्रयोग भी कर सकते हैं। इसे आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। सभी प्रकार के पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान में घी का प्रयोग किया जाता है। भगवान का भोग प्रसाद बनाने के लिए घी का प्रयोग किया जाता है, इस कारण घी को सबसे शुद्ध पदार्थ माना गया है। वहीं दूसरी ओर व्रत के बाद शरीर को पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है और घी में वे पोषक तत्व मौजूद रहते हैं। पारण में भूल कर भी न लीजिए चीज़ें। पारण के समय कुछ चीज़ें गलती से भी ना खाएं, इन बात का विशेष ध्यान रखना जरूरी है। इन चीज़ों में मूली, बैंगन, साग, मसूर दाल, लहसुन, प्याज शामिल है। यानी कि जिन चीज़ों से व्रत का पारण करने जा रहे हैं उनको बनाने में इन चीज़ों का कतई भी प्रयोग न किया गया हो। बैंगन पित्त दोष को बढ़ाता है, साथ ही उत्तेजना वर्धक होने के कारण यह काम भाव को भी बढ़ाता है, जो कि व्रत रखने के तुरंत बाद सही नहीं है। वही मसूर दाल को भी अशुद्ध माना गया है, इसीलिए व्रत के पारण में इसके सेवन से बचें। इसलिए ना खाएं मूली और लहसुन प्याज। मूली की तासीर ठंडी मानी जाती है। व्रत करने के बाद शरीर कमजोर पड़ जाता है। शीत ऋतु में शरीर के कमजोर पड़ने पर ज्वर पकड़ने की आशंका बढ़ जाती है, ऐसे में मूली का सेवन इसे और बढ़ावा दे सकता है। इसीलिए बेहतर होगा कि आप पारण करने में मूली का प्रयोग ना करें। वहीं लहसुन प्याज भी खाना वर्जित है। इन दोनों को तमोगुण वर्धक माना गया है, ये काम के भाव को बढ़ाते हैं। शास्त्रों में इसे राक्षसी भोजन भी या फिर तामसी भोजन भी कहा गया है। इनकी उत्पत्ति राहु नामक राक्षस के रक्त से हुई है, इसीलिए इनमें तीक्ष्ण गंध होती है। ये उत्तेजना, क्रोध, हिंसा और अशांति पैदा करते हैं। के पारण के समय इनका भूल से भी प्रयोग ना करें। तो दोस्तों, इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।